द पब्लिक मंच के सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अनुप्रिया पटेल का वो कौन सा समर्थन है जिसकी वजह से मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को फायदा होने वाला है और बीजेपी को झटका लग सकता है, खास करके बीजेपी की वोटों में सीध लग सकती है अनुप्रिया पटेल की इस चाल से। तो जान लेते हैं क्या है अनुप्रिया पटेल का वो समर्थन। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें ताकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हर इंटरेस्टिंग खबरों का नोटिफिकेशन आप तक हम आसानी से पहुंचा सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल भी माहौल तैयार करने में जुटे हैं, इसलिए यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और अब जातीय जनगणना का शिगुफा छोड़कर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सभी दल पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए यह प्रयास तेज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भी जातीय जनगणना का समर्थन करना पड़ा। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। यह ऐसा मुद्दा है कि इसे हर कोई लपकने को तैयार है, बस सत्तारूढ़ दल ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पा रहा। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी के वोट बैंक बन चुके पिछड़े और दलितों को सपा अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन्हें अपनी पाली में लाने की कोशिश में है। बसपा के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे पहली कतार के नेताओं को सपा में शामिल करवा लिया है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा जैसे कई नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर हैं। अंबेडकरवादियों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक दलों को देखें तो बीजेपी के लिए अब बहुत सधी हुई सियासी बयानबाजी और कवायद बेहद जरूरी मानी जा रही है। सपा के पिछले वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप कहते हैं कि सपा का यह बहुत पुराना मुद्दा है जिस पर बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कश्यप कहते हैं कि देश व प्रदेश में पिछड़े वंचित समाज को अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जब जातियों के लोगों की कितनी संख्या है ये ही नहीं पता हो, और खासतौर पर जो जातियां इस देश में अपने अधिकार व सम्मान और शिक्षा से बहुत पीछे छूट गई हैं। उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ एक टीम बनाकर गांव-गांव और विधानसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में जन आंदोलन बनाकर सरकार को इसे लागू करने के लिए मजबूर कर देंगे। बसपा मुखिया मायावती कहती हैं कि एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी व इनके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है। जैसे नौकरियों में इनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है। बीजेपी सरकार के गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद ने कहा, मैं कहता हूँ कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने जो जातियों की विसंगति हुई है वो गलत है। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप कहते हैं कि विपक्ष कोई काम करना नहीं चाहता है। सपा बसपा कांग्रेस का टारगेट सिर्फ परिवार और भ्रष्टाचार तक सीमित है, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि विपक्ष को लगता है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के जरिए काफी जातियों पर पैठ बना ली तो इसी ओर खींचे चले जाएंगे। ऐसे में छोटे छोटे वर्गों के लिए राजनीति करने वालों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसी को देखते हुए सपा बसपा और दक्षिण के कुछ दल अब वो जातियों का आधार बनाकर हिंदुत्व के बड़े वोट बैंक को अपने ही अपने हिसाब से अपने पाले में लाने में लगे हैं। सपा अल्पसंख्यक और पिछड़ों की राजनीति करती रही है, यह रणनीति ज्यादा काम नहीं आ रही है, इसलिए वो बीजेपी में गए। अति पिछड़े और दलित वर्गों को अपनी ओर लाने में लगे हैं। सपा अपने खिसकते वोट बैंक का वापस लाने के प्रयास में है। उनका कहना है कि सरकार जातीय जनगणना के लिए विपक्ष का टेस्ट ले रही है, क्योंकि अगर सरकार को करना होगा तो अपने माहौल के अनुकूल ही कराएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।